वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं तारक महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो। अगर आप पहली दफा इस चैनल पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है, इंशाल्लाह ताला इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन शर्त यह है कि एंड तक आप वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो हम शुरू करते हैं ABC से, जिसे हम कहते हैं लेटर्स। तो हम ए छोड़ देंगे, हम बी से सीखना शुरू करेंगे। तो एक हमारे पास बी है और एक क्या है, डी है। अब छोटे बच्चों को ये सिखाए जाते हैं, तो आप भी समझें कि बी और डी इसके दरमियान में एक चीज नहीं है, उसे हम कहते हैं मिसिंग लेटर। तो वो जो चीज इनके दरमियान में नहीं है वो क्या है, सी। तो व्यूअर्स, बी क्या है? बी है बर्थ, और डी क्या है? डेथ। यानी कि हर वो इंसान जो दुनिया में आया है उसे आखिर मरना है, यानी कि जो आया है उसे जाना है। तो बी से बर्थ है, डी से डेथ है। तो बी और सी के दरमियान में एक फासला है, एक वक्फा है, एक गैप है, जिसका नाम क्या है, सी। तो यहां पर सी क्या है? सी है चॉइस। ये है मेन, ये चॉइस आपकी है कि आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। क्या आप रींगना चाहते हैं या आप हवा में उड़ना चाहते हैं, ये एक इंसान की अपने ऊपर डिपेंड करता है। हर वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है वो अपने साथ गैर मामूली सलाहियतों के साथ दुनिया में आया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन सलाहियतों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी में उनको पहचान नहीं सकते। ठीक है, ये मैं आपको एक मिसाल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हमारी चॉइस ये है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा सोचना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने अंदर एक अजम लेकर आना होगा, अपने अंदर एक ऐसा गैर मुतजलजल अजम लेकर आना होगा जो हमें आगे लेकर जाएगा, जो हमें एक आम फर्द से एक मुख्तलिफ फर्द बनाएगा, जो हमें चैलेंजेस से निपटना सिखाएगा, जो हमें जिंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करने का मौका देगा। तो व्यूअर्स, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि ये इंसान की चॉइस है। आप देखें, आप क्या है, ह्यूमन, और दूसरा क्या है, एनिमल्स। ठीक है, यानी ये ह्यूमंस हैं और ये क्या है, एनिमल्स हैं, इंसान और जानवर। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या इंसान जो है वो बच्चे पैदा नहीं करता? जानवर भी बच्चे पैदा करता है। क्या इंसान खाना नहीं खाता? जानवर भी खाना खाता है। क्या इंसान जो है वो अपनी दूसरी जरूरियात को पूरा नहीं करता? जानवर भी अपनी दिगर जरूरियात को पूरी करता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? इंसान और जानवर के अंदर जो फर्क है वो फर्क है सिर्फ और सिर्फ क्या है, शऊर। अगर आप दुनिया में आए हैं और आपका मकसद दुनिया में रहना, खाना पीना, जिंदगी गुजारना और बच्चे पैदा करना और उसके बाद मर जाना है, तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, फिर हम भी जानवर ही हैं। तो इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ एक फर्क है और वो क्या है, शऊर है। इस शऊर के जरिए से इंसान दुनिया में चीजों पर काबू पाता है, आगे बढ़ने की सलाहियत लेके आता है, दुनिया में जमीन पर रहने का हक अदा करता है। इस जमीन पर अल्लाह ताला ने आपको भेजा है तो आप यहां पर रहने का किराया अदा करके जाएंगे। वो किराया कैसे अदा करेंगे? जब हम दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे, जब हम दुनिया में इंसानियत के लिए कुछ करेंगे। तो जब आप इंसानियत के लिए कुछ करेंगे फिर आप अजीम बन जाएंगे। दुनिया में आज तक कोई भी शख्स अपने मालो दौलत की वजह से अजीम नहीं बन सका। दुनिया में लोगों को उनके मालो दौलत, बड़ी जायदाद,
बड़ी गाड़ियों और बड़े महलों की वजह से याद नहीं रखा जाता। दुनिया में हमेशा लोगों को याद रखा जाता है तो सिर्फ वो यही लोग होते हैं जो इंसानियत के लिए कुछ करते हैं। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर शऊर लेकर आएं, अपनी जो चॉइस है उसको बदलें। आप एक एनिमल से डिफरेंट हैं, आपने अपनी चॉइस खुद बनानी है। आप दुनिया में बच्चे पैदा करने नहीं आए, आप बच्चे दुनिया में खाने पीने नहीं आए, आप दुनिया में चंद दिन गुजारने के लिए नहीं आए, आप दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं। ये फर्क है आप में और एक जानवर में। तो हम अपने आप को देखें, एक इंसान है वो दुनिया में पैदा होता है, क्या सब जो दुनिया के लोग हैं उन सब के पैदा होने का तरीकेकार एक ही नहीं है? क्या वो जिस अमल के नतीजे में दुनिया में आते हैं वो एक ही नहीं है? जो दुनिया में आकर खाना खाते हैं क्या वो एक ही नहीं है? फिर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ क्यों होता है? वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है अपने अज़म की वजह से, अपने कुछ करने के इरादों की वजह से, अपनी ताकत की वजह से। तो जब आप कुछ कर लेते हैं और उस करने के लिए आप एफर्ट्स करते हैं तो वो एफर्ट्स हमेशा रिवार्ड करती हैं। ऐसे नहीं हो सकता, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं। उसके टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं कि एक आपने मेहनत की है उसकी टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, जो है वो किसी को अर्ली और किसी को देर से जो है वो उसका बदला मिलता है। लेकिन जो भी शख्स दुनिया में काम करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसे जरूर रिवार्ड देते हैं। ठीक है, ये आज की हमारी वीडियो थी और इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। कॉमेंट में आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।